गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। एंड वंस अगेन हैप्पी ईस्टर। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं लालापोर्ट पार्क में, और सॉरी शॉपिंग मॉल में, जो कि अभी नया ही बना है, हम लोगों ने भी नहीं देखा था। तो आज हमें चांस मिला है कि हम लोग जाएं, टाइम मतलब छुट्टी मिली है तो हम लोग ऑन द वे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, बड़ा प्यारा लग रहा है बाहर से। और हमारी जो तीन गाड़ियां हैं वो निकल चुकी हैं, दो गाड़ियां हमसे आगे, हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो वहां पे पहुंचने के बाद भी आप लोगों को दिखाते हैं। और हमारे साथ जो है वो थे जेनी, सीतू और बैनी जीजू जो है ड्राइव कर रहे हैं। और वहां पे पहुंचने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, शीशे पे भी बारिश आई हुई है। अभी मैं खोल नहीं सकती क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। और वहां पे खोल दिया, जीजू ने खोल दिया। ये देखिए आप बाहर के नजारे लें, मुफ्त में मलेशिया देखिए जी आप लोग। रोड देखिए, यहाँ पे बारिश हो रही है फिर भी कितने साफ सुथरे रोड लग रहे हैं। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, इज मच बेटर। हाँ जी, तो ये देखें, ये रही हमारी एक गाड़ी हमारे आगे जो है टू डोर, और इससे आगे जो है हनी की गाड़ी है BMW। और ये देखें जी, मुफ्त में मलेशिया के मजे लें आप लोग। यहाँ पे सफाई देखें कितनी ज्यादा है, बारिश हो रही है, पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे बारिश हुई है या हो रही है, इतना मतलब साफ सुथरा है। ये शीशे पे से देखें आप लोग, वाओ मैं भी नजर आ रही हूँ। तो ये हम लोग ब्रिज क्रॉस कर चुके हैं, अभी थोड़ा ही टाइम रह गया है पहुंचने में। ये अभी पवेलियन वाली साइड पे हम लोग जा रहे हैं ना, टाइम स्क्वायर की तरफ है ना। लास्ट व्लॉग भी था मेरा टाइम स्क्वायर के साथ ही, एक नया मॉल बना है शॉपिंग मॉल, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद, अभी पहुँचने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मुझे रोड बहुत अच्छे लग रहे थे बारिश होने के बाद। यहाँ पे नहीं हो रही, जहाँ से हम लोग आ रहे थे वहाँ पे बहुत तेज हो रही थी, तो यहाँ पे रुकी हुई है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। देखें जी कितना प्यारा और साफ सुथरा लग रहा है माशाल्लाह से। तो चलिए गाइस, पहुँचने के बाद मैं आपको शेयर करती हूँ। अपने हाथ में होता है कि अपनी कंट्री को हम लोग साफ रखें, तो आप लोग भी प्लीज कोशिश किया करें कि पाकिस्तान में आप कचरा ना फेंकें, अपनी कंट्री को साफ रखा करें। देखिए यहाँ के लोगों में कितना डिसिप्लिन है, आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, वो भी हमारा सही बात है। या करेक्ट। ओके सो गाइस, मिलते हैं आपसे वहां पे पहुंचने के बाद। बाय बाय रेंज रोवर माय फेवरेट। सो गाइस हियर वी आर, लालापोर्ट पे पहुंच चुके हैं हम लोग। और ये हम लोग जा रहे हैं अभी अपनी गाड़ी पार्क करने। ये जी मॉल की पार्किंग है जिसमें हम लोग जा रहे हैं गाड़ियां पार्क करने अपनी। पार्क करने के बाद, ऊपर पहुंचने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये भी एक गाड़ी है, वो हनी की गाड़ी आगे जा रही है। अब्बू और सोनू इस वाली गाड़ी में, मम्मा और बच्चे, नैला और हनी आगे वाली गाड़ी में, हनी वाली। तो ये देखें जी यहाँ की पार्किंग भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी हमें टिकट लेनी पड़ेगी, मैं नजर आ जाती हूँ बार बार ना चाहते हुए भी। पार्किंग, ये रहा अबू आगे बैठा हुआ है। और पार्किंग मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है, सो वी कैन गेट इट इजीली। ये देखिए आप, सारी खाली पड़ी हुई है इतना, मेरे ख्याल से अभी ये नया बना है तो किसी को इसका पता नहीं है। हाँ बहुत सारी गाड़ियां यार, हमने नहीं देखा अभी तक ये। फॉर यू, फॉर मी इज न्यू, बट फॉर अदर्स आई थिंक, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ऑलरेडी दिस वन ओपन ऑलरेडी। सो होप वी विल गेट द पार्किंग नियर द मेन एंट्रेंस फॉर द शॉपिंग मॉल। हनी को तो मिल गई है, ये हनी अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। पार्किंग बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा है ऊपर से भी अच्छा ही होगा।
वैसे तो यहाँ के नॉर्मल मॉल्स भी जो है वो बहुत खूबसूरत है, हम लोग आपको दिखा चुके हैं, अब ये थोड़ा सा स्पेशल है तो चल के देखते हैं। ये रहा, हनी ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, वी आर स्टिल लुकिंग फॉर द पार्किंग। ये देखिए यहाँ पे जो पार्किंग बुक हो जाती है उस पर ये रेड कलर की लाइट बन जाती है, और जो खाली होगी उस पर ग्रीन कलर का होगा, नॉर्मली ग्रीन होता है, यहाँ पे पिंक है। हाँ आई थिंक सागर ऑल्सो गेट पार्किंग रेडी, ऑल्सो गेट या फाइनली। ओके सो गाड़ी जो है हमारी पार्क हो चुकी है, नाउ लेट मी गो आउटसाइड एंड शो यू। सो गाड़ी जो है गाइस हमने पार्क कर दी है, और अभी जो है हम लोग गाड़ी से बाहर निकलने लगे हैं। मैंने अपना तो क्या लगा लिए, मास्क वापस लगा लिया, क्योंकि मास्क के बगैर यहाँ पे हम लोग अंदर नहीं जा सकते मॉल में, सो दिस इज़ अननेसेसरी। और ये निकल आई थी सीतू थी हमारे साथ, एक्सक्यूज मी हीरा थी हमारे साथ, तो कैसी हो आप? तो ये रहे जी बाकी के लोग, इनको भी पार्किंग मिल गई है नज़दीक ही। हाय हाय, ये बड़ा उड़ाते हुए लेके आया, मुझे पहले ही पता था। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसके साथ? हाय अब्बू, हाय, आपकी बड़ी तारीफ सुनी है ड्राइव की। नहीं बस एक अच्छी लाइन मार देने, मजाक कर रहे हैं। अच्छा मैं तो पता बहुत पचास दी तो बहुत बड़े ड्राइवर है, क्या लगा हनी का है डॉक्टर जोड़ का। अच्छा सही जी, तो फाइनली हम सब लोग पहुंच चुके हैं अभी ऊपर जाने के बाद, शुक्र है खुदा का खैर खरी से सलामती से पहुंच गए, और अभी आपसे मिलते हैं ऊपर शॉपिंग मॉल में जाने के बाद। सो जब तक के लिए बाय बाय। हेलो, हम लोग बस ऊपर जा रहे हैं तो अभी दिखाते हैं आपको ऊपर क्या हमने फाउंड। ना सलाम ना दुआ दो, हम लोग बस ऊपर जा। हेलो गाइस, सॉरी मैं सलाम करना भूल गई, एंड वंस अगेन हैप्पी ईस्टर। तो अभी आगे क्या है मैं खुद नहीं जानती, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी न्यू शॉप, न्यू शॉपिंग मॉल, वेरी फर्स्ट टाइम। तो आगे दिखाते हैं, पीछे दिखाओ कितने गाइस, पीछे हमारे आधे गाइस हैं उनको भी दिखाती हूं। हाय हाय, आते जाए आते जाए। ये गाइस हमारा थोड़ा सा नया है, पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा आया था, आज मैं बहुत ज्यादा वहां टेंशन में आ गई, आज मैं चिट्टा स्वीट पाया। हां और नमाज वहां की हो गई। तो ये देखे गाइस यहां पे एक्सीलेटर पे भी लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ये, दैट इज लुक्स अमेजिंग। सो अभी ऊपर चल के देखते हैं और क्या क्या है इंटरेस्टिंग, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा इन्होंने डेको किया हुआ है, और अभी ऊपर जाके दिखाते हैं आपको। सो दिस इज़ द डेकोरेशन फॉर हरी राया फॉर ईद, विच इज़ वेरी ऑसम, मुझे बहुत प्यारी लगी है यहाँ की डेकोरेशन, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखिए आप लोग, बड़ा प्यारा है इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और अभी यहाँ पे 7:30 हो चुके हैं, लोग जो है वो रोज़ा खोल रहे हैं। कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है यार, ऐसे लग रहा है जैसे राया का डेकोरेशन इधर आए। हाँ दराया खूबसूरत है, तो जितने लोग मलेशिया में वो जरूर आए, द प्लेस नेम इज लाला फोर्ट, मेंशन कर देंगे तो जरूर आए, अच्छा शॉपिंग मॉल है, समथिंग टाइम स्क्वायर के साथ ही बना हुआ है, बिल्कुल नजदीक है ना, तो जरूर आए, कुछ नया है देखने के लिए तो जरूर विजिट करें यहाँ पे। आगे और क्या है वो भी हम दिखाते हैं आपको। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे कितनी प्यारी डेकोरेशन की हुई है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। वाओ इट्स ऑसम, ये पीछे से मलस्सी जा रहा है। मलस्सी को लस्सी देनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। यार बड़ी प्यारी जगह है ना, हाय मलस्सी, ये मलस्सी कितना सिर्फ पाक मलस्सी कहां मलस्सी। तो ये जगह पे बड़ी प्यारी मिली है, यहाँ पे शूट भी, फोटो शूट भी बहुत अच्छा होगा।
तो और भी जो इंटरेस्टिंग चीजें जगहें नजर आएंगी वो भी आप लोगों को दिखाते हैं गाइस, तो हमारे साथ बने रहिए। हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग मैं आपको बता चुकी थी कि हम लोग आए हुए लाला फोर्ट, जो कि नया मॉल बना है केएल में टाइम स्क्वायर के साथ, जो हमने लास्ट वीडियो आपके साथ शेयर की थी शॉपिंग मॉल की, बिल्कुल उसके साथ ही ये बना हुआ है। तो इसका जो मेन एंट्रेंस है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। तो इसका वो देखें पवेलियन सामने है ना, पवेलियन है बिल्कुल सामने, और ये देखिए कितना प्यारा इन्होंने ये वाटरफॉल लगाया हुआ है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसके अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, जो इसकी स्टेयर्स है ना, जो सीढ़ियाँ इसकी, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैंने सोचा मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और लाजमी आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करें कैसी लगती है वीडियो। नो डोंट टच, ये देखें वो केएल टावर भी नजर आ रहा है सामने, और ये इतनी पीसफुल जगह बनी हुई है ना, ये बहुत प्यारा शॉपिंग मॉल है। जैसे कि मैं आपको अंदर से भी कुछ जो पार्ट्स है वो मैं दिखा चुकी हूँ, अभी पूरा हमने भी नहीं देखा, तो जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे नजर आ रही है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे पानी का बहुत शोर है, पानी का बहुत ज्यादा शोर है, सो शैल वी गो अप हियर, दैट इज द शॉपिंग मॉल, दैट इज ऑसम। ये देखें ये पूरा ये मेन एंट्रेंस है, उसके बाद वो सीढ़ियाँ जिसके बारे में सिंथिया बात कर रही थी, लाला फोर्ट इसका नाम भी दिखा दो। तो ये देखें ये नाम है इसका, लाला फोर्ट, और ये अंदर से बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है, जो कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती, जितना मुझसे हो सकता है मैं वीडियो में कैप्चर कर रही हूँ। और आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करना, बता कि आप लोगों को कैसा लगा, ताकि मज़ीद और ऐसी जगहें मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। और चले मेरे साथ, और यहाँ पे लाइव बैंड भी है, वो भी दिखाओ। सो लाइव बैंड भी है यहाँ पे, अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, टॉर्च बंद करो। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस शॉपिंग मॉल, द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये लाइक द रीजन यू कम हियर, या दिस इज बेस्ट हियर। वाह, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, डार्क हो जाता है वो लाइट की वजह से। मैं नजर आ रही हूँ? हाँ आ रही हो, लेकिन वो अप विद मी, या कैन सी और नो इन द वीडियो, इफ नो जस्ट on the stairs got music also, I think you can hear, yeah there's some music, oh, it's kind of piano, you know, like yeah. The last time one when we step up, wow. Then you can hear the music, it's awesome. Love, wow. Nice. Wow. Aur ye lighting aisi hai ki ye gili hoke bhi kharab nahi hongi, jaise aapko pata hai yahan pe ye ho rahi hai, lekin phir bhi inko koi nuksan nahi hua, ye bilkul waise hi hai jaise thi. Wow, so this is so high, I think we should go back. Yeah, kyunki ye to bas maine aap logo ko iski jo interesting baat thi, jo interesting cheez thi, wo maine aap logo ko dikhani thi, aur I guess ki main dikha chuki hu, itna upar nahi main ja sakti, maine heel pehni hui hai, ye dekhiye upar se pura kya khoobsurat nazara hai, ये बुकिंग बिंतांग सिटी सेंटर के साथ है बिल्कुल, और वो देखें सामने रोड जा रहा है कितना खूबसूरत नजर है, ये देखें ये ट्रेन भी बाय चांस आ ही गई है। अभी मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छे से नजर आ रही हूँ, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं वीडियो बंद करूँ, मैं थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ बातें करना चाह रही हूँ, और बातें मेरी ये है कि अभी मम्मा लोग हमारा पीछे वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अंदर जाके मम्मा लोग देखें खाना पीना भी है, रश देखें गाइस, एक मिनट से मैं रश दिखाता हूँ, बच्चे। हेलो बैंडी, हेलो, और गाइस मैंने
कॉटन कैंडी कहाँ भी हुई है। खत्म कर दी। ओके स्लोली वॉक, स्लोली स्लोली वापिस जाए। चलते हैं दूसरी कोई जगह, आप लोगों को दिखाते हैं कोई नई प्लेस, कोई इंटरेस्टिंग प्लेस, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो। सिवोना डोंट गो, आप कम बैक, लेट्स गो, बाय। और ये हमारे जीजू भी आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत वीडियो आ रही है यहाँ पे। मार्क्स नीचे करें। ओके सो विश, हैप्पी ईस्टर वंस अगेन, and say happy Easter. Happy Easter. Thank you, Bendy. Situ, come here. Situ, come here. Wow, you look gorgeous, la. My God. Thank you. Okay, wish. Happy Easter. Thank you. Cynthia, I want to go there. You want to go there? Okay. Yeah. It's really nice. The lighting, awesome. Wow. Oh, you can see, yeah. Yeah, yeah, yeah. It's really awesome, right? Yeah. True, okay, true. So. कुछ कहना चाहती हूँ जी, खुश रहे, आबाद रहे, एंड हैप्पी ईस्टर। अब कुछ नया कुछ ढूंढते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं, तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को जरूर एंड तक देखें, तो इंटरेस्टिंग चीजें और शेयर करते हैं आपके साथ आज। So guys, finally we are here. We take the risk or ready to come up from the stairs. So ऊपर हम लोग आ चुके हैं finally. वो सांस चढ़ गई है। और ये देखिए एक पार्टी पहले से बैठी हुई है। और मुझे यहाँ से केएल टावर बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और ये रहा हमारा केएल टावर। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। और ये शॉपिंग मॉल, इसकी हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए और बहुत सांस चढ़ गई है। इससे ऊपर भी थोड़ी सी सीढ़ियां है अभी भी। और सोनू बताएं कुछ, चढ़ गया मैं तो, क्या देखूं अब, गुस्सा आ रहा है कि ऊपर मैं आई क्या देखने हूं। ये स्लोमो में पंखा, ये स्लोमो में पंखा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ है, फैन। वैसे वहाँ पे चलते हैं, और चलो चल के दिखाओ, सोनू के साथ चलते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या है। आ जाओ आप लोग भी उधर, रोशनी, माइंड योर स्टेप्स या। ओके 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 ओके, सो शॉपिंग, हाँ वो जो होता है ना, सोफे वगैरह पड़े हुए, फर्नीचर वगैरह है मेरे ख्याल से, है ना, फर्निश वगैरह। सो हॉट, गर्मी भी बहुत ज्यादा है आज, बारिश होके बंद हुई है और फिर भी इतनी गर्मी है यहाँ पे। सोनू इतनी सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ गए, थोड़ा सा और चढ़ के देख ले। बड़ी बिल्ली देखो कहाँ पे, वो झूले के पास, ये सेल के लिए। वाव सो बिग, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिला, यही था। ये रहा सामने परछाया, टाइम स्क्वायर भी बिल्कुल सामने सोनू बना हुआ, वो देखो, वो रहा परछाया टाइम स्क्वायर जिसमें मेरी लास्ट वीडियो थी। और ये इसके बिल्कुल साथ ही बना हुआ है, मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ जिसको लोकेशन नहीं पता। इतना खूबसूरत बना है, बिल्कुल देखो एक मतलब गुलदान की तरह, है ना, जैसे हमारे घर पे गुलदान होते हैं। हाँ हाँ, नेचुरल इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है। सीतू ने देखा है अंदर कुछ, आई थिंक तो वो लोग जा रहे हैं अंदर, तो हम भी चलते हैं। We just follow them, yeah. अंदर देखते हैं क्या है। ओ आइसक्रीम, ये देखो पेट शॉप, इतनी पेट शॉप है, बहुत बड़ी, इसके अंदर तो नहीं अलाउड है ना। ओके नहीं ये तो चीते से, अच्छा हाँ ये तो पेट शॉप ही है एंट्रेंस यहाँ से। मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है, मुझे मास्क लगा दो। ये बच्चों के लिए ले लेंगे, मैगी और ये ले लो, उनके लिए ऑर्डर वैसे मैंने किया हुआ है, बहुत बड़ा है उनके लिए, अभी तो वो छोटे हैं ना बहुत। हाँ ना, हमारा मैगी और ब्रॉन्जी तो अभी छोटा है बहुत, तो उनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, ब्रॉन्जी के लिए। और कुछ देखते हैं,
चल। ओके तो गाइस हम लोग पेट शॉप में एंटर हो चुके हैं। ये शैम्पू मैंने लिया है अपने बोन्जी और मैगी के लिए, और ये परफ्यूम लिया है मैंने। आपने क्या लिया है? इन्होंने लिया उन्होंने डॉग फूड लिया है। और देखते हैं और क्या है, बॉल्स वगैरह भी हमने ले लिए। हाय गाइस, ये डॉग शॉप है और देखे कितनी प्यारी पैट शॉप, सॉरी। तो बड़ी प्यारी चीज है। अभी आगे आगे चले और भी दिखाते हैं। बहुत प्यारी चीज है। उधर नैला पे है, ये इनके बिस्तर हैं डॉग के। और देखे कितने ये पिंक, ये लाइट सॉफ्ट है बहुत, है ना, बहुत प्यारे है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। स्पिनिश ने लिया है बॉडी स्प्रे मैगी का और ब्रोंजी का, और शैम्पू लिया है मैगी और ब्रोंजी का, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे। टॉयज वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। तो जैसे कि नाम मैं पहले भी आप लोगों को मेंशन कर चुकी हूँ, लाला पोर्ट न्यू शॉपिंग मॉल बना है। और हीरा आपने लिया है कुछ? अभी नहीं लिया। इनके परफ्यूम्स यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं डॉगीज के, ये इनके शैम्पू वगैरह है। क्योंकि डॉगीज पे पेट पे हम लोग सेम शैम्पू नहीं यूज़ कर सकते जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, नहीं तो उनका हेयर फॉल होता है। और ये कंडीशनर है मेरा ख्याल है। हाँ, ये शैम्पू कंडीशनर सब कुछ। और यहाँ पे इनके परफ्यूम भी पड़े हुए हैं पेट्स के, डॉगीज के और कैट्स के भी हैं। कैट्स दिखाइए, कैट दिखाते हैं मम्मी भी उधर से आके। कैट लिखी सोनू कौन सा लिया है? नैला आपने भी लिया है? परफ्यूम लिया। अच्छी है खुशबू इसकी। मुझे ये भी लिया नहीं पसंद। ये भी लिया है डॉग फूड भी लिया है, और ये भी लिया है बॉडी स्प्रे लियो के लिए। के लिए बंदा छोटा ले ले उसके बाद बड़ा ले। नहीं मैंने नहीं दिखाना। उसके लिए पैरेंट फूड लो। आपके क्या लिया? आपके लिए गिफ्ट। खलो यार जरा फूड में सोच रही हूँ ले लो ना हम लोग भी, फिर मैं कह रही हूँ चेंज कर देंगे तो बाद में। नहीं नहीं फूड नहीं लो। हाँ वही ठीक है, जो खाते हैं वो लोग। चलो और देखते हैं क्या क्या आज है। ये भी देखते हैं ये है ना। पू फी करने के लिए उसका। अच्छा अच्छा। और ये देखो कैट वगैरह का पी पू खाने, इसमें ना मट्टी रखते हैं उसके ऊपर में कैट पी पू जो भी करते हैं। और कैट और डॉगी दोनों इनके कपड़े, इनके कपड़े भी हैं देखो कितने प्यारे। हाँ ये डॉगीज के कैट्स के कपड़े, लेकिन मम्मी के घर में बहुत ज्यादा है ना पैराशूट के बने हुए शायद। हाँ जब बारिश हो तो आप डॉग को ये पहना सकते हैं। हाँ पहना के बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं। मेरी तुम भी इसमें से बाहर आ जाए ना। हाँ धूम के लिए ये ना, लेकिन वो बहुत छोटी। और ये कैप देखो सोनू, कैप भी हाँ ये वाली हो सकता है। लेकिन ये कैप है क्या है? कैप ही। और ये हमने उनके लिए टॉयज भी लिए। और ये मैगी और बॉन्जी का टॉयज है। बिस्तर कितने प्यारे हैं ये देखो। बिस्तर अभी मैंने दिखाए थे। सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा है ना सोनू, आराम से अंदर है ना। हाँ ये वाला भी अभी देखो, ये बड़ा प्यारा है। हाँ, हाँ, कलर बहुत अच्छा है। और आए मैं आपको कैट्स दिखाती हूँ बड़ी प्यारी। मैं और इनके बैग्स भी देखे, इनको अगर बीच में रख के लेके जाना हो कहीं। और यहाँ पे कैट्स भी हैं फॉर सेल। देखें गाइड कैसे खूबसूरत कैट है, यहाँ पर लोग आके खरीद सकते हैं। हाँ, ये देखिए ये सेल के लिए ये वाली कैट, ये वाओ सो प्रीटी। ये मेरे पास मेरी तरफ इतने गुस्से से क्यों देख रही है? हाय हेलो, व्हाई आर यू सो एंग्री? हेलो हाय। ये कितनी खूबसूरत है ये। हाँ। देखिए
हाँ खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है वो, बड़े गुस्से से देख रही है कब से, उसका मूड ऑफ है आई थिंक, वी डिस्टर्ब देम। वो देखिए वो बॉल के साथ खेल रही है। मम्मी ये पालतू है या फालतू है? पालतू है, पालतू है, दे आर ट्रेंड यू सी। खेल रही है कितना अच्छा। सो चलें लेट्स पे द बिल एंड गो टू द अदर प्लेस। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखे गाइस, आप इनको नॉर्मल बिलियाँ ना समझें, इनके प्राइस ये सामने लिखे हुए RM6100 जो कि पाकिस्तान में कितना 3.5 लाख बनेगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिलियाँ कितनी महंगी हैं। हम लोग समझ रहे थे कि ऐसे ही इन्होंने रखी हुई है, लेकिन इनके प्राइस ये अभी मैंने देखे हैं, ये इस पर चल रहे हैं छोटे से स्क्रीन पर, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर मेल RM6100, RM3700, वाओ इज सुपर एक्सपेंसिव बट डोंट टच। ओके सो ये गाइस देखिए इसने कितनी शॉपिंग कर ली है अपने बच्चों के लिए, सूजी ब्रोनी के लिए। दिखाओ जैनी क्या क्या लिया आपने, बिस्तर लिए उनके? हाँ, मैंने दोनों के लिए, एक के लिए पिंक लिया है, एक के लिए ब्लू लिया है, और टॉयस लिए है जैसे आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, अगर आइसक्रीम यहाँ पे मिल गई तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, इफ नो वी आर हंग्री नाउ सो नीड टू गो बैक। ये देखिए पूरा राउंड करके बनाया है, कैसा लग रहा है ऊपर से भी दिखा सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है बना हुआ है ना। आप चलते थे साथ साथ? हाँ बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी, वो हम लोग बाहर निकले थे ना और सीढ़ियाँ चढ़े थे इसलिए, है ना। हाँ तो ये रहे अम्मी लोग जा रहे हैं नीचे। अब वो बाय कर रहे हैं इनकी जो एक्सीलेटर से, इसके ऊपर भी लाइटिंग लगी हुई है, लाइट्स लगी हुई है जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, क्योंकि इस मॉल की जो मेन चीज़ है, जो खासियत है इस मॉल की, वो है लाइट्स, लाइटिंग। तो सोनू आप कुछ कहना चाहेंगे, आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस नए मॉल का मलेशिया में? मॉल है बहुत अच्छा है, और थोड़ा लाउड खोलो प्लीज, हमने बड़ा ही मज़ा आया है, काफ़ी नई चीज़ें हमें देखने को मिली हैं और शॉपिंग भी हो गई, वरना टाइम नहीं मिलता हमें शॉपिंग पे जाने का, तो आज आए हुए थे तो मैंने सोचा। सोनू आगे क्या हुआ? वो आपकी सीढ़ियाँ खत्म हो गई थी वो बता रही थी मैं, अभी उस साइड भी याद है साइड, यहाँ पे DIY भी बना हुआ है थोड़ी बड़ी, अभी आइसक्रीम हम ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाए तो आपको दिखाते हैं, वरना मैं बाय बाय कर दूँगा। ओके ओके गाइस, तो हमारी वीडियो यहीं तक थी, आइसक्रीम हमें नहीं मिली, तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो क्या हो सारे सज्जन मित्र जिन्हें भी साढ़े चैनल वाले ने ना, तो वो फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो घंटे का बटन अपना ना भुलना, तो आंदे वक्त भी तुम्हें अच्छे अच्छे खाने दी रेसिपियां सेंड कीतियां जाणगियां, तो मजीद असीं तुहाडी भी तुलंग करांगे। खुश रहो, आबाद रहो, वसदे रहो, ते मलेशिया जी दे रहो, बाय बाय, पैसे सही कमा के घर सेंड करो। हां ओके बाय, करते बाय बाय।